अवकाश का दिन और सप्तमी तिथि एक साथ होने से रविवार को रतनपुर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। करीब 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मां महामाया देवी एवं भैरव बाबा के दर्शन के लिए रतनपुर पहुंचे। इसके कारण कई बार जाम की स्थिति भी बनी। दोपहर के बाद तो स्थिति ऐसी बन गई कि मुख्य मार्ग पर 3 से 4 घंटे तक वाहन फंसे रहे। इस दौरान ऊपर जाने वाला सड़क मार्ग भी पुलिस को कई बार बंद करना पड़ा और यात्रियों को पैदल ही दर्शन के लिए जाना पड़ा। देखिए, हर साल की तरह आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां तक पैदल चलकर अपने वाहनों से चलकर यहां माता रानी का दर्शन प्राप्त करने आए हैं। और एक खास बात भी है कि सप्तमी और नवमी का दिन एक ऐसा होता है कि जहां ज़्यादा ज़्यादा लोग दर्शन करने आते हैं। पिछले कोरोना काल में जिस तरीके से दर्शन पर रोक लग गई थी कोरोना की वजह से, तो वो जो भ्रम अभी टूटा है, कोरोना काल की कड़ी टूट गई है, तो उससे कई गुना ज़्यादा लोग, उनके अंदर जो इच्छा शक्ति थी माता रानी का दर्शन करने का, तो आज हमने देखा है कि पैदल अपने वाहनों में लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आए हैं। पूरा विश्वास है कि माता रानी का सबका दर्शन प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। रंजीत सिंह, जिला अध्यक्ष रसोई बिलासपुर। नवरात्रि के लोग उपलक्ष पे हम लोग यहाँ पे माँ हमारी माँ माया के दर्शन पे आए हैं। देख लीजिए, बहुत सारे श्रद्धालु रात में, इतनी रात में पैदल चलते हुए, बहुत सारा इंतजाम किया गया है, खाने पीने का बहुत सारा लोग हमारा व्यवस्था करके रखे हैं। मतलब श्रद्धालु लोगों का इतना प्यार आ रहा है कि क्या बताएं आप। ठीक, बहुत अच्छा लगा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी देखिए, अभी तक लगभग 4 से 5 लाख दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। पुलिस बल लगातार तैनात है यहाँ पर और किसी प्रकार की कोई भी अभी तक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इतने भीड़ होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन लगातार मौजूद है और किसी प्रकार की कोई घटना भी नहीं हुई है। सुचारू रूप से संचालन लगातार और दरबार पर भी दर्शनार्थियों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। वहीं सीढ़ी मार्ग से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों के आने का सिलसिला रात भर चलता रहा। हम सब परिवार जो है महामाया दर्शन के लिए आए थे, कतार में लगे भीड़ तो अधिक थी लेकिन फिर भी अच्छे से दर्शन हो गया। उसके बाद जो है हम भैरव बाबा मंदिर आए हैं, यहाँ भी कतार में लगे हुए हैं और कोरोना की वजह से 2 साल बाद आए हैं। मंदिर में थोड़ा सा भीड़ तो रहती है, कतार में लगता है, थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन जो है और बाकी सब। बिलासपुर से आए हैं हम लोग, मैवाड़ी विलास शर्मा जी। आज नवरात्रि का सप्तमी है। आज रतनपुर में माँ महामाया से लेकर भैरव बाबा में अपार भीड़ है और दोनों जगह और दस्त के द्वारा और भैरव बाबा में जैसे हस्ती की द्वारा जो है पुजारी है यहाँ के, उनके द्वारा भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था निःशुल्क एवं हमारे दस्त वाले भी करते हैं। आज इस रतनपुर में इनके जो सेवा भाव है, साथ में शासन प्रशासन भी पूर्ण सहयोग करते हैं। आज लाखों दर्शनार्थी इस अवसर पर अभी सुबह से भीड़ चल रही है, इस भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरा मुस्तैद है और माया भैरव बाबा वाले महाराज जी जो है ये भी सब पूरे इनकी टीम पूरी मुस्तैद है। भक्तों को आसानी से दर्शन हो रहे हैं और बहुत अच्छे दो 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 वर्ष उल्टा कोरोना काल के कारण जो दर्शन नहीं हो पा रहे थे भैरव बाबा का, महामाया का, वो इस बार दर्शन आसानी से हो रहे हैं और अपार भीड़ चल रही है। 2 साल कोरोना काल में भी जो नहीं आ पाए दर्शार्थी का अपार भीड़ है, लाखों दर्शार्थी सुबह से लेकर अभी तक के दर्शन कर चुके हैं और यह रात भर आज चलता रहेगा। सप्तमी आज रात है, नवरात्रि है, नवरात्रि के अवसर पर यात्री चारों तरफ से आएंगे और माता के दर्शन एवं भैरव बाबा के दर्शन कर कुल लाभ अर्जित करेंगे। जय शुक्रवार। मैं सुभाष चंद्र अग्रवाल, रतनपुर, नगर पालिका प्रसाद, रतनपुर। श्री भैरव बाबा पूजा होने के कारण रात भर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। ज्यादातर पदयात्री रात में यहां पहुंचेंगे। माँ माया दर्शन करके भैरव बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। माँ शारदीय नवरात्रि की सभी लोगों को, प्रदेश के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी जो है वो सभी की मनोकामना पूर्ण करे
हम लोग ऐसा चाहते हैं। और मैं ये लगातार कई वर्षों से यहाँ पे आ रहा हूँ, लगभग 25 वर्षों से आ रहा हूँ। पहले जो व्यवस्था होती थी, व्यवस्था में थोड़ी कमी दिख रही है। थोड़ा सा शासन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। भीड़ बहुत ज़्यादा है, सही दिशा में यदि कार्य किया जाए तो अच्छी व्यवस्था बन सकती है। जी, मैं मनोज तिवारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोंपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। सुबह से वाहनों की लाइनें भी लगने लगी। पुलिस ने अवकाश के चलते व्यवस्थाएं पहले से तैयार कर रखी थी। लोगों की श्रद्धा और आस्था इस तरीके की है कि जब तक कि भगवान भैरव जी का दर्शन नहीं किए जाते हैं, तब तक कि आप देवी जी की दर्शन अधूरी मानी जाती है। ये शास्त्र लिखा है, ये 51 शक्ति पीठ में 51 भैरवनाथ जी है साथ में, और सभी भैरवनाथ जी की, जब तक कि माता देवी की आप दर्शन किए भगवान भैरवनाथ जी का दर्शन नहीं किए तो दर्शन अधूरी होती है। इसलिए रतनपुर में से महामाया देवी की दर्शन करने के बाद भगवान भैरवनाथ जी भी दर्शन करना अनिवार्य समझते हैं। अभी मनोकामना तो सभी लोग की होती आ रहे हैं, और कितने लोग हुआ इस चीज़ को पता नहीं बता पाऊँगा कि सदा आदमी की मनोकामना पूर्ण हो रही, इसलिए देश विदेश से दर्शन करने के लिए आते जाते हैं। बिलासपुर कोटा से रितेश गुप्ता, सीजी विजन टीवी।